हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है और पाइथन प्रोग्रामिंग में हमें बनानी है एक सीएसवी फाइल। ठीक है, उस सीएसवी फाइल का नेम क्या होगा? उस सीएसवी फाइल का जो नेम होगा वो कोई भी नेम हो सकता है, लेकिन वो एक सीएसवी फाइल होनी चाहिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना पाइचाम। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे पाइचाम के ऊपर बना रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें सीएसवी को इम्पोर्ट करना होगा, तो यहाँ पर इम्पोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करूँगा और यहां लिखूंगा CSV और एंटर कर दूंगा। और एंटर करने के साथ ही यहां पर एक डाटा नाम से लिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, डाटा इज इक्वल टू, अब ये लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, इंपोर्ट CSV लिखने के बाद हमें डाटा नाम से एक लिस्ट बनानी है और ये लिस्ट कुछ इस तरीके से बनेगी। यहां पे लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट हमने जैसे कि देख सकते हैं ओपन कर लिया है, लेकिन अब हम नीचे आते हैं और यहां कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर कर्ली ब्रेसेस हमने ओपन किया है। ठीक है, और यहां पर क्या करते हैं, यहां पर डबलटेड कॉमा के अंदर लिखते हैं नेम, एन ए एम ई, ये नेम लिख लिया हमने। डबलटेड कॉमा के अंदर क्या लिखा, नेम लिखा, और नेम में क्या नेम आएगा तो कॉलन लगा करके वो नेम दे दिया। यहां पर जैसे मान लीजिए हमने दे दिया रितेश, ये हमने नेम दे दिया और डबलटेड कॉमा क्लोज हो ही गया है। अब क्या करना है, यहां पर आकर के और फिर कॉमा लगाना है और यहां पर दे देते हैं एज। ठीक है, और एज भी क्या होगा, डबलटेड कॉमा के अंतर्गत रखेंगे इसे, तो यहां हो गया ये एज। ठीक है, नेम के बाद हमने क्या कर दिया, एज कर दिया, और एज हम डालेंगे यहां पर, तो एज मान लीजिए 22 है किसी की। ठीक है, ये कुछ और भी हो सकती है, फिलहाल हमने यहां पे 22 डाल रखा है। ठीक है, अब कॉमा लगाएंगे, इसमें कोई भी सिंगल डॉटेड कॉमा या डबलटेड कॉमा नहीं रहेगा। एज के बाद कर देते हैं यहां पर सिटी, तो ये कर दिया सिटी, और सिटी भी किसमें रहेगा, डबलटेड कॉमा में रखेंगे इसे, तो ये ध्यान रखिएगा सिटी को भी क्या करते हैं डबलटेड कॉमा में रख देते हैं। ठीक है, और डबलटेड कॉमा में रखने के बाद यहां पे लगाएंगे कॉलन, और कॉलन लगाने के बाद डबलटेड कॉमा ओपन करेंगे और इसमें फिर क्या लगा देंगे, देवरिया दे देते हैं, DEORIA। ठीक है, तो ये देवरिया कर दिया, और देवरिया करने के बाद इस जो डबलटेड कॉमा हमने स्टार्टिंग में ओपन किया था इसे क्लोज कर देना होगा। ठीक है, तो यहां पर ये डबलटेड कॉमा क्लोज किया है और फिर यहां पर कर्ली ब्रेसेस को भी क्लोज कर देंगे और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करके कॉमा लगा देंगे। फिर नीचे आते हैं, फिर एक कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर फिर क्या देंगे, फिर यहाँ पे नेम दे देंगे, यानी नेम के अंदर क्या आएगा, नेम ही आएगा। तो यहाँ पे डबलटेड कॉमा ओपन करके यहाँ पे नेम लिख देते हैं और नेम लिख करके डबलटेड कॉमा को क्लोज करके यहाँ पर कॉलन लगा देते हैं। इस बार नेम में कर देते हैं आर्यम राम, तो यहाँ पे लिख दिया है राम, और फिर यहाँ पर कॉमा लगाना है। और इनकी एज की बात करी जाएगी तो एज भी क्या होगा, डबलटेड कॉमा के अंतर्गत रखेंगे, लेकिन केवल एज ही ऐसा है जो डबलटेड कॉमा में रहेगा। जब आप एज लिखेंगे, टाइप करेंगे यहाँ पर, तो वो डबलटेड कॉमा में नहीं रखना है। फिर कॉमा लगा दीजिए, फिर यहाँ पे कर दीजिएगा सिटी, CITY। ठीक है, तो यहाँ पे सिटी कर दिया, और सिटी किस में रहेगा, डबलटेड कॉमा में, और सिटी का नेम भी किस में रहेगा, डबलटेड कॉमा में। तो यहाँ पे देवरिया फिर से कर दिया हमने, तो ये भी डबलटेड कॉमा के अंतर्गत ही रखेंगे इसे। और ये सब लिख करके फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर आकर के डबलटेड कॉमा को यहाँ पे क्लोज करना है और फिर ब्रैकेट को भी क्लोज कर देना है। और भी कोई देना चाहते हो तो नीचे दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो चलिए हम यहाँ पे और भी दे देते हैं, डबलटेड कॉमा ओपन करते हैं, यहाँ पे नेम दे देते हैं, नेम देने के बाद डबलटेड कॉमा को क्लोज करके फिर यहाँ कॉलन लगाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डबलटेड कॉमा में राजेश, एक और नेम हमने यहाँ पे दे दिया। फिर डबलटेड कॉमा को क्लोज करके कॉमा लगाइए, यहाँ पे एज दे दीजिए, और एज भी किस में रहेगा, डबलटेड कॉमा में रहेगा। आप चाहे तो इसके बदले सिंगल डबलटेड कॉमा का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमने दे दिया एज, लेकिन एज को आपको जो एज लिखेंगे यहां पर उसे किसी भी डबलटेड कॉमा या सिंगल डॉटेड कॉमा में नहीं रखना है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर ये कर दिया है, और ये करने के बाद आपको यहां पर वापिस से देना होगा सिटी, तो कॉमा लगा दीजिए और डबलटेड कॉमा ओपन कर लीजिए और यहां पे दे दीजिए सिटी, तो जो भी सिटी है वो सिटी का नाम यहां आ जाएगा। तो ये सिटी दे दिया हमने, और सिटी का सी कैपिटल ही लिखते हैं हम, तो यहां पे सिटी कर दिया, तो ये डबलटेड कॉमा लगा दिया, और फिर डबलटेड कॉमा के बाद यहाँ कॉलन लगा दिया, और यहाँ पे फिर डबलटेड कॉमा ओपन करेंगे और यहाँ पर कोई और सिटी का नाम चाहे तो दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं लखनऊ, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं LUCKNOW, तो ये लिख दिया लखनऊ। तो ये आपकी CSV फाइल तैयार होगी इस तरीके से, और फिर ये जो कर्ली ब्रेसेस ओपन किया था उसको क्लोज कर देंगे, और जो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुआ था उसको भी क्लोज करना होगा। तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगा, तो यहाँ पे कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज, और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करके क्या करना है आपको, यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर नीचे आकर के क्या देना है, फाइल नेम। ठीक है, यहाँ पे एक बना लीजिएगा फाइल नेम के नाम से, किस नाम से, फाइल नेम।
तो यहाँ पे लिखिएगा फाइल और यहाँ पे लिखिएगा नेम एन ए एम ई, बिना गैप दिए लिखिएगा जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे उस सी एस बी फाइल को नाम क्या देंगे, तो यहाँ पर हम पाइथन डॉट सी एस बी दे देते हैं, पाइथन डॉट सी एस बी ये नाम है फाइल का, ठीक है। इसी नाम से हम फाइल बनाएंगे, ठीक है, यानी फाइल जब बनाएंगे तो इसी नाम से बन जाएगी ये। और फिर यहाँ पर एक फंक्शन यूज करेंगे विथ ओपन। विथ ओपन की खासियत ये है कि इसे जब आप लगाते हैं तो आपको क्लोज नहीं लिखना पड़ता, यानी क्लोज फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर विथ ओपन लिख दिया है हमने, और विथ ओपन लिखने के बाद यहाँ पर उस फाइल का नाम आएगा, यानी ये जो फाइल है यही फाइल का नाम आपको यहाँ पर दे देना है। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसी को यहाँ पर विथ ओपन के अंदर इसे पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल वी करके, ठीक है। तो ये कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इसे रखना है डबलटेड कॉमा के अंतर्गत, ये भी ध्यान दीजिएगा, इसे डबलटेड कॉमा में रख लीजिएगा। ये पाइथन डॉट सी एस बी जो लिखा है हमने, इसे डबलटेड कॉमा के अंतर्गत रखिएगा। फिर यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे ही डबलटेड कॉमा लगाएंगे और फिर बंद करेंगे तो यहाँ पर एक कॉमा लगा दीजिएगा, और हम राइट मोड में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर डब्ल्यू कर दीजिएगा, डब्ल्यू राइट मोड के लिए, यानी इसमें कुछ भी राइट किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर कॉमा लगा करके हम लिख देते हैं न्यू लाइन, क्या लिख देते हैं न्यू लाइन। तो देखिए यहाँ पे न्यू लाइन कीवर्ड भी आ रहा है और ये हमने लिख दिया न्यू लाइन। न्यू लाइन लिखने के बाद सिंगल ट्रेड कॉमा को ओपन कीजिए और सिंगल ट्रेड कॉमा को ही क्लोज कर दीजिए। और करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है एज फाइल, ठीक है। इसे क्या नाम दे देंगे, फाइल नाम दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कॉलन भी लगा दीजिएगा, एंटर करिए, नीचे आइए। नीचे आने के बाद अब यहाँ पे राइट का यूज करेंगे, तो डब्ल्यू आर आई टी ई राइट लिखा हमने, और राइट लिखने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे लिख दीजिएगा सी एस बी, क्योंकि हम बना रहे हैं सी एस बी फाइल, और यहाँ लिखिएगा डॉट डिक्शनरी डिक्ट, लिखिएगा डिक्ट राइटर, क्या लिखना है डिक्ट राइटर, डब्ल्यू आर आई टी ई आर डिक्ट राइटर। और फिर चूंकि हमने उसे नाम दिया था फाइल, तो यहाँ पे आप दे दीजिएगा फाइल, ठीक है, एफ आई एल ई। तो ये हो गया फाइल, और ये किस में रहेगा फाइल, ये ना तो डबलटेड कॉमा में रहेगा ना ही सिंगलटेड कॉमा में रहेगा, इसे वैसे ही रखेंगे, यानी बिना डबलटेड कॉमा या सिंगलटेड कॉमा के इसे आपको रखना है। कॉमा लगाइएगा, कॉमा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पढ़ाते वक्त आपको जब डेटाबेस मैंने पढ़ाया था तो उस वक्त बताया था कि फील्ड नेम का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा एफ आई ई एल डी फील्ड नेम, ठीक है। तो ये हो गया फील्ड नेम, और फील्ड नेम लिखने के बाद यहाँ पे नेम्स कर देते हैं, फील्ड नेम्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया है फील्ड नेम्स, और फील्ड नेम्स करने के बाद यहाँ पे इक्वल टू लगाइएगा और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को फिर ओपन कर लीजिएगा। सिंगल ट्रेड कॉमा में यहाँ पे लिख दीजिएगा नेम, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, फिर यहाँ कॉमा लगाइएगा और कॉमा लगा करके एज और सिटी कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ कर दिया एज, और ये भी क्या रहेगा, सिंगल ट्रेड कॉमा के अंतर्गत रहेगा एज, ठीक है। तो ये ऐसे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया एज, और कॉमा दीजिएगा, और यहाँ पे सिटी सी आई टी वाई, ठीक है। तो ये सब लिख देने के बाद क्या करना है, नीचे आना है, और नीचे आकर के क्या करेंगे, यहां पर नीचे आए, एंटर किया, नीचे आ गए। अब क्या करना है, राइट, डब्ल्यू आर आई टी राइट लिखेंगे, और यहां लिखेंगे डॉट राइट हेडर, डॉट राइट हेडर, यानी हेडर को राइट करने के लिए ऊपर जो हेडर आएगा उसको राइट करने के लिए ये लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये फंक्शन है तो फंक्शन के लिए ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, और फिर यहाँ पे देंगे राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई डॉट, फिर यहाँ देंगे हम राइट रोज, क्या देंगे, डब्ल्यू आर आई टी ई राइट रोज, आर ओ डब्ल्यू एस, ये दे दिया हमने। और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करके इसमें लिख देंगे डाटा, यानी डाटा के अंदर ये जाके स्टोर हुआ था तो यहाँ पे डाटा दे देंगे, ठीक है। ये सारी चीजें डाटा के अंदर ही स्टोर हुई थी तो यहाँ पे डाटा हमने लिख भी दिया है, ठीक है। और अब हम प्रिंट करवाते हैं इसको, ठीक है, हमारा सारा काम हो गया है, अब इसको प्रिंट करवाने की बारी है। तो सिंपली प्रिंट लिख देते हैं, और यहां पर यूज करेंगे एफ स्ट्रिंग का, ठीक है। एफ स्ट्रिंग के बारे में पहले भी बता चुका हूं, और चूंकि ये है सी एस बी फाइल तो मैं यहां लिख देता हूं सी एस बी फाइल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, ठीक है। और ये जो सी एस बी फाइल लिखेंगे इसे हम डबलटेड कॉमा के अंतर्गत लिख देंगे, क्योंकि ये ज्यों का त्यों आएगा। और फिर यहां पर कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के साथ ही यहां पर क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे इस तरीके से, कॉमा ना लगा करके आपको कर्ली ब्रेसेस को ओपन करना है, और कर्ली ब्रेसेस को ओपन करने के बाद यहां पर आएगा फाइल नेम,
क्या आएगा, फाइल नेम। तो ऊपर याद है हमने फाइल नेम दिया था, ठीक है। और यहां पर फाइल नेम देने के बाद क्या करना है आपको, इसे रखना है सिंगल कोटेड कॉमा में, यानी ये जो सीएसवी फाइल हमने लिखा है तो सीएसवी फाइल तो ऐसे ही रहेगा, ये इसमें कोई भी डबल कोटेड कॉमा या सिंगल कोटेड कॉमा आपको नहीं लगाना है, ये पूरा का पूरा जाएगा डबल कोटेड कॉमा में। यानी जो फाइल नेम होगा, आप देख सकते हैं यहां पर जो फाइल नेम लिखा हुआ है, ये फाइल नेम, यानी कि यहां से ये सिंगल कोटेड कॉमा यूज कर रहा हूं, यानी सीएसवी फाइल यहां से लेकर के लास्ट तक किसमें होगा, डबल कोटेड कॉमा में। और ये जो फाइल नेम है ये होगा सिर्फ सिंगल कोटेड कॉमा के अंदर, ठीक है। तो ये फाइल नेम हमने लिख दिया, और फाइल नेम लिखने के बाद इसे क्लोज भी कर देंगे, और यहां लिखेंगे क्रिएटेड सक्सेसफुली, SUCCESFULLY, ये कर दिया हमने, और डबल कोटेड कॉमा को क्लोज करके इस ब्रैकेट को भी कर दिया क्लोज। तो ये हमारी सीएसवी फाइल बनेगी, और सीएसवी फाइल python.csv के नाम से बनेगी। जब हम इसे चलाएंगे तो python.csv के नाम से सीएसवी फाइल बनेगी हमारी, ठीक है। अब चलिए एक बार चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर इसे हमने चला दिया है, और यहां पर कॉमा छूट गया है, तो यहां ऊपर वाले में ये कॉमा एक रह गया है, तो इसे कॉमा दे देते हैं, और कॉमा देने के बाद क्या करना है, यहां से रन करा देना है, ठीक है। राइट इज इक्वल टू होगा, यहां पे होगा राइट इज इक्वल टू सीएसवी, तो ये हो गया। अब क्या करना है, अब इसको रन कराना है, रन कराएंगे, ये सीएसवी फाइल बन गई है। देखिए ये लिखा हुआ आ गया सीएसवी फाइल python.csv क्रिएटेड सक्सेसफुली, लेकिन ये गया कहां होगा, तो जहां पर ये हमारी फाइल सेव होगी ना वहीं पर ये जाएगा। यानी हमारी फाइल कहां सेव हुई है, तो उसका पाथ हमें देखना होगा कि ये फाइल गई कहां है, ठीक है। तो इसका पाथ देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको मिलेगा कॉपी पाथ प्रेफरेंस, तो यहां पर जब जाइएगा तो ये वाला पाथ जो है इसी को आपको कॉपी कर लेना है, डाटा फिर रोमिंग में जाना है, ऐप डाटा फिर रोमिंग। तो बहुत सिंपल है, यहां से आप फाइल पे जाइएगा और ओपन फाइल पे चले जाइएगा। ओपन फाइल पे जैसे ही जाएंगे तो हमने बनाया था पाइथन, पाइथन के ही नाम से बनाया था python.py। तो देखिए ये फाइल जब हम ओपन करेंगे तो ये तो ओपन हो गई, कहां पर ये देख सकते हैं, ये पाइचार्म के ऊपर ओपन हो गई। हम वापस जो है फाइल पे जाना है हमें, तो ये हमारी फाइल है, और यहां पर जाकर के यहां पर देखिए ये जो हमने लिखा था इसको हम ओपन विथ करेंगे और नोटपैड पे ओपन करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो हमने लिखा था वो केवल और केवल कॉमा से सेपरेट होता हुआ आ रहा है। देखिए ये वही फाइल है पाइथन वाली जो हमने बनाई थी, देख सकते हैं ना। तो कुछ इस तरीके से सीएसवी फाइल बनेगी, और इसी को अगर आप एक्सेल पे ओपन करेंगे या किसी अन्य स्प्रेडशीट पे ओपन कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। देखिए एक्सेल पर ये ऐसे दिखाई देगा, ये देख सकते हैं एक्सेल पर ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।